सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। मोदी सरकार दे वल्लों पंजाब बारे लए जा रहे फैसलों तो बाद हुण सूबे दे विच केंद्र सरकार दा विरोध लगातार वधदा नज़र आ रहा है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे बारे ये चर्चा चल रही सी कि वोटां तो बाद चरणजीत सिंह चन्नी नूं किसे ने नहीं वेख्या, आखिर वो गए कित्थे। पर हुण जदों मोदी सरकार दे वल्लों लगातार पंजाब दे खिलाफ कथित तौर ते फैसले लए जा रहे ने, हुण चरणजीत सिंह चन्नी भी मैदान दे विच कुद दे नजर आ रहे ने। मुख तौर ते दो खबरां चरणजीत सिंह चन्नी दे नाल जुड़ियां होईयां ने। पंजाब दे मुद्दियां नूं लै के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड दे विच पहलां पंजाब दी नुमाइंदगी खत्म की गई, कंट्रोल खत्म किया गया। उस तों बाद जिहड़े अफसर पक्के तौर ते पंजाब तों ही भर्ती किए जाने सन पंजाब अते हरियाणा तों, उह शर्त भी केंद्र सरकार दे वल्लों हटा दित्ती गई। उस तों बाद पंजाब पुलिस अते हिमाचल दी पुलिस नूं भी डैमां तों हटाउण दा फैसला केंद्र सरकार दे वल्लों लै लिया गया। हुण चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों दो एक्शन लैण दा फैसला कीता गया है। खबर आ रही है कि उन्हां ने देश दे गृह मंत्री अमित शाह तों मिलण दा समां मंगिया है, क्योंकि जदों भी हुण केंद्र सरकार दे नाल गलबात करनी है तां देश दे गृह मंत्री दे नाल मुख्यमंत्रियां दे वल्लों गलबात कीती जांदी है। हुण चरणजीत सिंह चन्नी ने यह फैसला लिया है। उन्हां दे हवाले तों यह खबर आ रही है कि वह अमित शाह दे नाल मीटिंग करना चाहुंदे ने। इस मीटिंग दे विच मुख तौर पर दो मुद्दे उन्हां दे वल्लों चुके जाणगे, अजिहियां खबरां सामने आ रही ने। सब तो पहला मुद्दा तो होएगा यूक्रेन दे विच फसे पंजाबी नागरिकां दा, अते नाल दी नाल पंजाब संबंधी केंद्र सरकार दे वल्लों जो फैसले लए जा रहे ने उसका मुद्दा भी चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों चुकिया जा सकता है। अजिहियां खबरां भी हुण सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। हुण अमित शाह दे वल्लों कदों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं मीटिंग दा समां दित्ता जांदा है, इस मीटिंग दे विच की कुछ हुंदा है, वह तो बाद की गल है। पर दूजा एक्शन भी चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों सोच लिया गया है। उन्होंने कैबिनेट बैठक सद्दण दा फैसला लिया है। पर हुण पंजाब दे विच वोटां पै चुकियां ने, रिजल्ट अजे आउणा है। सरकार पंजाब दे विच उस तरीके नाल काम नहीं कर सकती है, इस करके जेकर कैबिनेट की बैठक सद्दनी है तो परमिशन लैनी पवेगी चोण कमिशन की। चोण कमिशन की इजाजत तो बिना सरकार कैबिनेट बैठक नहीं सद सकती है। तो हुण मीडिया अदारियां दे वल्लों सूत्रां दे हवाले तो यह खबरां चलाईयां जा रही ने कि चन्नी सरकार ने चोण कमिशन तो इजाजत मंगी है कि असी इन्हां मुद्दियां ते मंत्री मंडल की बैठक सद्दना चाहुंदे हां। हुण चोण कमिशन दे वल्लों इसकी इजाजत दिती जाएगी, इस दे चांस बहुत घट लग रहे ने। अजिहा नहीं जापदा कि चोण कमिशन दे वल्लों कैबिनेट बैठक की इजाजत दिती जाएगी। जदों केंद्र सरकार दे वल्लों सूबियां दे बारे कोई फैसला लिया जांदा है, जेकर सूबे ने विरोध दर्ज करवाउणा होवे तां उस दे लई तीन ऑप्शन मुख तौर ते मन्ने जांदे ने। सब तो पहला हुंदा है कैबिनेट दी बैठक सद के उस दे विच कोई फैसला कर लईए। दूजा हुंदा है सारियां पार्टियां दी एक बैठक सद के उस दे विच कोई फैसला करके केंद्र सरकार नूं उस संबंधी कम्यूनीकेशन भेजा जाए, अपना जवाब भेजा जाए कि तुसीं इदां दे फैसले ना लो। तीजा ऑप्शन हुंदा है विधानसभा दा सैशन सद्या जा सकता है। हुण जदों पंजाब दे विच चोण ज़ाबता लगा होया है तां सिर्फ एक ही ऑप्शन बचदा है, अते ओह है ऑल पार्टी मीटिंग, सर्व पार्टी बैठक। अते मन्निया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी दे वल्लों जेकर इजाजत ना दिती गई कैबिनेट बैठक दी तां ऑल पार्टी मीटिंग भी सद्दी जा सकती है, क्योंकि पंजाब संबंधी लए जा रहे फैसलों के खिलाफ बीजेपी नूं छड्ड के पंजाब दीआं सारीआं ही पार्टियां मैदान दे विच कुदियां होईआं ने। अते सरकार नूं, पंजाब दी सरकार नूं लगातार पोलिटिकल पार्टियां अपील कर रहीआं ने कि तुहानूं केंद्र सरकार दे खिलाफ कोई ना कोई फैसला लैणा चाहीदा है। मतलब पंजाब दे जिहड़े मुद्दे ने उन्हां बारे केंद्र सरकार तक अपनी गल जरूर भेजनी चाहिए है कि सानू तुहाडे फैसले पसंद नहीं आ रहे। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कंट्रोल पहलां केंद्र ने ले लिया, उस तो बाद हुण डैमां दे उपर CISF जिहड़ी सेंट्रल फोर्स हुंदी है वह लाउण दा फैसला कर लिया गया है। इस तो इलावा नुमाइंदगी भी पंजाब अते हरियाणा की खत्म कर दिती गई है, शर्त हटा दिती गई है। अजिहे तमाम मुद्दे ने जिन्हां नूं लैके पंजाब दे विच केंद्र सरकार का विरोध लगातार वधदा नजर
आ रहा है। बलबीर सिंह राजेवाल की अगवाई दे विच संयुक्त समाज मोर्चे दे वल्लों राजपाल नूं एक मंग पत्र दिता गया। उधर दूजे पासे बाकी किसान जथेबंदियां भी मैदान दे विच पूरी तरह नितरियां होईयां ने ते केंद्र सरकार दे खिलाफ रोस मुजाहरियां दा दौर भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों शुरू कर दिता गया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां दे वल्लों बीते दिनी केंद्र सरकार दे खिलाफ पूरे पंजाब दे विच रोस मुजाहरे किए गए ने। क्यों की मकसद है इन्होंने रोस मुजाहरियां दा? प्रधान जोगिंदर सिंह उग्राहां दे मुंहों तुहानूं सुना दिंदे आ। भाखड़ा मैनेजमेंट का मसला जिहड़ा भाखड़ा इहदे भाखड़ा मैनेजमेंट दे विच केंद्र सरकार दीआं जिहड़ियां नीतियां ने ओह केंद्र सरकार इस नीति ते चल रहा है भी जिहड़े राजां कोले पहला अधिकार ने उहनां नूं खोह के अपनी मुट्ठी च रखना चाहुंदा। असल विच जिहड़ी भाखड़ा मैनेजमेंट दे विच छेड़छाड़ कीती इहनां ने उत्थों पंजाब की नुमाइंदगी खत्म करती, हरियाणा की नुमाइंदगी खत्म करती, जिहड़ी उत्थे फोर्स लाई हुई थी पंजाब की वह फोर्स हटा के केंद्र की फोर्स ला दी। एक किस्म का उन्होंने मतलब इनू मैनेजमेंट नूं आपदी मुट्ठी च लैके आपदे हाथों च लैके कारपोरेट घराणियां नूं देण दा यह मसला है। जानी एक किस्म का जिहड़ा 2000 बिजली बिल 2020 है जिन्हों सरकार ये मन्नी है भी मैं पार्लीमेंट च पेश नहीं करती, मैं लागू नहीं करता, यह बिजली एक्ट 2020 लागू कर जा रहा है। यह अडानिया अंबानिया इन्होंने हदारा देना है। इस करके सारिया स्टेटा के अधिकारों अपनी मुठ्ठी च रख के ते मौज नाल कारपोरेटर फार्म के हवाले करने वास्ते काली है केंद्र सरकार। भावें कि केंद्र सरकार के इन सारे फैसलों का विरोध बड़े जबरदस्त तरीके नाल पंजाब दे विच हो रहा है, इसके बावजूद केंद्र सरकार के वल्लों आए दिन ही कोई ना कोई अजिहा फैसला ले लिया जाता है जिसका विरोध होर भी तिखा होण लग पैंदा है। हुण खबरां आ रही ने कि सिटको दे विच सिटको का जिहड़ा चेयरमैन हुंदा है वह पंजाब तो लाया जाता सी चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड सिटको, इसका जिहड़ा चेयरमैन हुंदा सी वह पंजाब तो लाया जाता सी, पर इस बार वह भी यूटी भाव यूनियन टेरेटरी के कार्डर तो ला दिता गया है। उस दे विच भी पंजाब का चेयरमैन नहीं लाया गया, जिस तो बाद अकाली दल भी गुस्से दे विच आ गया है। अकाली लीडर अर्शदीप कलेर का की कहना है तुहानू वह भी सुनाउणा जरूरी है। लगातार एक साजिश के तहत पंजाब के हकों उत्ते केंद्र सरकार वालों डाका मारिया जा रहा है। अज उस लड़ी नूं अगे लजाउंदे होए सिटको के MD जिहड़े हमेशा ही पंजाब कैडर के अफसर लगते सी अज उन्हां दी जगह यूटी कैडर के ऑफिसर नूं सिटको का MD लगा दिता है। श्रोमणी अकाली दल इस दा सख्त विरोध करता है, पर असल दे विच मंदभागी गल ए है कि सारिया साजिशां दे विच केंद्र सरकार दे नाल पंजाब दी कांग्रेस सरकार भी मिली हुई है, जिन्हें जान बुझ के किसी अफसर का ना सिटको दे MD दे पोस्ट लई पंजाब विचों भेजिया ही नहीं। पर श्रोमणी अकाली दल ऐसियां साजिशां दा विरोध करता है, ऐसे फैसलों का विरोध करता है और पंजाब दे हक्कां लिए डट के लड़ाई लड़ी है और लड़दे रहांगे और केंद्र सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि ऐसे फैसले जिहड़े पंजाब दे हक्कां उत्ते सिद्धा डाका ने केंद्र सरकार एक लैण तों गुरेज करे। इस तरह भावें किसान जथेबंदियां होण ते भावें पोलिटिकल पार्टियां होण सारे ही केंद्र सरकार दे इन्हां फैसलों दे खिलाफ मैदान दे विच नितरदे नज़र आ रहे ने, पर मोदी सरकार अपनी चाले चल रही है, अपनी तुरे तुरी हुई है मोदी सरकार, अते एक तो बाद एक फैसला उन्हां दे वल्लों लिया जा रहा है। भावें कि किन्ना भी विरोध इसका पंजाब दे विच क्यों ना हो रहा होवे, लगातार वह फैसले मोदी सरकार लै रही है जिन्हां दा विरोध हुण सारिआं दे वल्लों ही कीता जान लग पिया है। भारतीय जनता पार्टी की पंजाब की इकाई कहती है कि असी केंद्र दे नाल गल करांगे, पर जिन्नी देर तक उन्होंने गल करनी है 3-4 फैसले तो उस तो बाद भी आ चुके ने। BBMB दे विच जिहड़ी पंजाब ते हरियाणा दी नुमाइंदगी खत्म की गई सी उस बारे BJP ने कहा सी, पंजाब दी BJP ने, असीं अपनी केंद्र सरकार दे नाल गलबात करांगे, पर गलबात करन तो पहला ही 2-3-4 फैसले होर केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब संबंधी अजिहे लै लए गए जिन्हां दा विरोध हुण पूरे पंजाब दे विच होण लग पिया है। जाप रहा है कि पंजाब दे विच एक वड्डा अंदोलन एक बार फिर तो केंद्र सरकार दे खिलाफ विड़िया जा सकता है, उस दे विच पोलिटिकल पार्टियां भी इस बार शामिल हो सकदियां ने, क्योंकि पोलिटिकल पार्टियां अकाली दल कहिंदा है कि सानू कोई वड्डा संघर्ष विड़ना पै सकता है, केंद्र सरकार साडे कोल कोई होर विकल्प नहीं छड़ रही है। इसका मतलब है कि कोई वड्डा संघर्ष किसान जथेबंदियां बुद्धिजीवी अते पोलिटिकल पार्टियां रल के भी मोदी सरकार के खिलाफ विड़ सकदियां ने। एक सवाल तुहाडे कोल पुछ लेना चाहुंदे आ, तुहानू की लगता है कि इन्ना जबरदस्त विरोध होने तो बाद हुण मोदी सरकार अपने फैसले वापस
ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।